शिवपुरी जिले में इन दिनों किसान डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर बैराड़ में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसानों के सब्र का बांध टूट गया। सैकड़ों किसानों ने बैराड़ तहसील कार्यालय के सामने हंगामा कर सड़क पर जाम लगा दिया। सड़क पर जाम लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। इस दौरान करीब आधा घंटे तक पोहरी मोहना मुख्य मार्ग पर जाम लगा रहा। इससे पहले भी किसानों ने पिछले मंगलवार को डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण हंगामा कर जाम लगा दिया था। किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि बैराड़ में खाद की कालाबाजारी की जा रही है, यही कारण है कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। क्या समस्या है तुम्हें, क्या मामला है? खाद की समस्या है, खाद का एक महीना है खाद में नहीं दो, मुझे कूपन है हमारे पास। कहाँ के हो आप? मारा काल का। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। तो आप परेशान हो एक महीने से? एक महीने से यार, तीन तीन दिन तो कोच में लग के चले जाते हैं, ना खाद मिल रहा। यार तहसीलदार साहब वगैरह से नहीं बात की क्या आपने? कोई सुनवाई नहीं कर रहा यार। नेता लोग खाद ले जाते हैं, बड़े लोग खाद ले जाते हैं, रविवार में बांटो खाद और ब्लैक में बांटा ही नहीं। और हम तो हमसे पूछ बोल दिया 5000 गड्ढे में तो बट गए। संडे के दिन ही बांट दिए, किनके लिए बांट दिया हमें तो बताए।